कोटियारे आंध्र पंचायत निर्वाचन करने प्रसंग आज सुप्रीम कोर्ट में शुणी हो आंध्रप्रदेश कोटियारे पंचायत निर्वाचन करने नहीं अदालत अवमानना मामला दाखल करते ओडिशा सरकार जहाँ आज शुणी करेंगे सर्वोच्च न्यायालय यह पूर्व गत काली सुप्रीमकोर्ट में दाखल आफिडेविट्रे ओडिशा को कड़ा जवाब देता आंध्र ओडिशा कर अदालत अवमानना आवेदन को भूल धारणा बोली आंध्र 2006 सर्वोच्च न्यायालय कौन से निर्देश देना सर्वोच्च न्यायालय ओडिशा द्वारा दाखल होता उक्त मकदमा को भारत संविधान धारा 131 आधार रक्षणाबेक्षण योग्य नुहे धार्य कर खारज करने उभय राज्य बृत्ति रेकर्ड करते पर सर्वोच्च अदालत द्वारा कौन से निर्देश पास करना तेणु अवमानना कर प्रश्न उठूना एथस तो आंध्र यह दाखल कर आराकू संसदीय निर्वाचन मंडल और सालुरु विधानसभा निर्वाचन मंडल अंतर्गत ए बिवादीय गांव गुड़िक आंध्र क्रमगत भाव में निर्वाचन करोटर तालिका अच्छी 1968 और 2006 सुप्रीमकोर्ट केवल स्थितावस्था जारी करते आंध्र देउथवा सुविधा सुजोग उपरे यहा उल्लेख करा जाइछि ए अंचल आमर थिला आगो को मध्य रहिबो ए कथा कहिछि आंध्र ए बाबद अधिक सूचना पाई सीधा सख गगन को पाकु जीवा हम दिल्ली प्रतिनिधि जोड़ी होइछन्ते हम सहित गगन वर्तमान आंध्र निजर स्पष्टोक्ति जारी करिछि एवं ए कथा मध्य कहिछि जे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अवमाननार प्रश्न उठूना वर्तमान राज्यर आभिमुख्य को आम कमी देखा देख निश्चित भाव स्मृति लग्ना आउ कि समय पर हियरिंग रही 12 नंबर आइटम रही एम खानुन खंडपीठ से दुजिया खंडपीठ से मैटरटी आसो तेज अपेक्षा कराई 11:30 सुधा मैटरटी हियरिंग होती आज जदि हियरिंग को लक्ष्य करेंगे जहाँ लीगल टीम कहवा कथा जहाँ विशेषज्ञ मैंने कहते आज विशेष किसी हेब ना कहीं जेहेतु से आफिडेविट दाखल करते बर्तमान राज्य सरकार काउंटर आफिडेविट दाखल करने निश्चित भाव टाइम मागिपारती कि मान्यवर खंड खंडपीठ टाइम देखते कि नहीं सीधा आर्गुमेंट करने ता निश्चित भाव खंडाधीश निर्भर करके भाव मेटोटी को देखुंत कि आंध्र कहवा कथा जोदि हियरिंग फास्ट होता से दिन से दूरोक्ति प्रकाश करते परवर्त पर्याय देखाला दुई दिन पूर्व से जो आफिडेविट दाखल करते सीधा सड़क से स्पष्ट भाव से मेनसन करते कौन प्रकार पूर्व जो मैटर दाखल कराई सुप्रीमकोर्ट में कौन प्रकार निर्देशनामा जारी करोसी अर्डर दे नेणु सीधा सड़क गोटे स्टाटस को मेन्टेन करने स्थितावस्था जारी करने उभय राज्य को कह किंतु परवर्ती पर्याय रे ओडिशा हो बा आंध्र हो कहीं भी केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप लोड़ी नांती बा केन्द्र सहायता नहीं नांती गृह मंत्रालय फिक्स करनी से एरिया कहार वर्तमान पर्यंत आंध्र भी निजर दबदबा वृद्धि करछि ओडिशा मध्य दबदबा वृद्धि करछि एमिति अनेक लोक अछंती आंध्र मेंशन करछि जे तीनोटी जाक गाँव में आमर शताधिक लोक रही आम गाँव लोक रही आम ठारे से भोट दौंती ओडिशा मध्य समान भाव में प्रतिक्रिया रखी गत काली आम जो डॉक्यूमेंट देखिले जहाँ ओडिशा सरकार पक्षर आज उपस्थापित माननीय सुप्रीम कोर्ट रे तीनोटी डॉक्यूमेंट उपरे ओडिशा सरकार विशेष फोकस करछन्ती प्रथम होउछि मनरेगा स्कीम रे जो केन्द्र सरकार को जो जेहेतु स्कीम रही तेणु से किभली भाव से तीनोटी गाँव लोक मैंने काम करछन्ती द्वितीय डॉक्यूमेंट को जब आसवे 2011 जो जनगणना होता से स्पष्ट भाव उल्लेख कराई सेंट्रल डाटा रे केन्द्र सरकार को जो तथ्य आसला 2011 सेंसस जनगणना रिपोर्ट रे स्पष्ट भाव उल्लेख कराई कोटियार से तीनोटी जाक गाँ ओडिशार बोली तेणु ये सब डाटा को लेकिन आज ओडिशा सरकार मान्यवर खंडाधीश दृष्टि आकर्षण करेंगे और निश्चित भाव दाबी करेंगे गोटे कौन प्रकार निर्देशनामा जारी करने कि जेहेतु इंटरनाल इंटरस्टेट जमी डिस्प्यूट यहाँ तेणु मान्यवर कोर्ट पूर्व कौन निर्देशनामा दे नथिले तेणु आग को मध्य दे न पारती सीधा सड़क ये बल्टी बर्तमान केन्द्र सरकार हाथ को जापे तेणु केन्द्र सरकार जदि हस्तक्षेप लोड़ी था तेणु राज्यर समय अपचय हो न था अनेक आईनजीवी बर्तमान मतव्यक्त करूँ अपेक्षा रोज किभली भाव हियरिंग होनेवर कोर्ट बा खंडाधीश किभली भाव मेट्रोटी को ग्रहण करना ओडिशा जो आईनजीवी मैंने गत काली निरंजन साहू जी लीगल टीम रही सी प्रतिक्रिया कहे आंध्र जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर आंध्र जो उल्लेख कर लोकल अथॉरिटी डाटा कितु आम पाखे सेंट्रल बेसीस डाटा रही आम केन्द्र सरकार तथ्य को लेकिन ही आज लड़े करूँ तेणु केत मात्रा से मोटेट करवर खंडाधीश को यापर काउंटर जवाब आंध्र कौन रखुच्छी जदि काउंटर फाइल करने मान्यवर कोर्ट टाइम दौरान तेणु राज्य सरकार केत दिन टाइम नौ कहीं राज्यर अनेक घटना नजर रही स्मृति लग्ना महानदी हो पुलावरम हो वंशधारा होनेक मैटर राज्य सरकार दुर्बलता जो राज्य सरकार पछुआ मनोभाव जो अनेक जगार ओडिशा फेल्युअर आज पुलावर प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा जाऊँगी वंशधारे आम ट्रिब्युनाल फेल्युअर हलु महानदी ट्रिब्युनाल तीन वर्ष कार्यकारी सरला कि कौन गोटे निर्देशनामा जारी है तेनाली सुप्रीम कोर्ट रही
ରହିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଦସ୍ତାବିଜ ବା ତଥ୍ୟ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ